We will read chapter 2, geography, globes, latitudes and longitudes. One mark question. What are points required to locate a place on the earth? So, किसी भी स्थान को पृथ्वी पर locate करने के लिए हमें latitudes and longitudes की जरूरत पड़ती है. What do you mean by rotation of the earth? Rotation of earth means its movement on its axis from west to east. पृथ्वी का अपने axis पर west to east घूमना ही rotation है. तो रोटेशन ऑफ अर्थ मीन्स इट्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. रोटेशन ऑफ अर्थ मीन्स इट्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इट्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्वेश्चन 3. Equator lies in which heat zone? Equator lies in which zone? Yeah, in which heat zone? That is the torrid heat zone. Torrid heat zone के अंदर equator है. Now 3 marks questions. Explain. Explain why the time zones are important for the world. पूरी दुनिया के लिए टाइम जोन्स की क्या ज़रूरत है, व्याख्या करिए. एक्सप्लेन वाई टाइम जोन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड. द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर. अलग अलग मेरिडियन के लिए टाइम अलग होता है. द टाइम डिफरेंस विद इन द कंट्री में बी मोर देन 2 आवर्स. एक देश के अंदर जो टाइम डिफरेंस है 2 घंटे का हो सकता है. जैसे हमारे देश का है गुजरात से लेकर के वेस्ट में, और इसमें यदि हम अरुणाचल प्रदेश से देखते हैं तो लगभग 2 घंटे का है. सो द टाइम डिफरेंस विद इन द कंट्री में बी मोर देन 2 आवर्स. देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंट्री. दैट इज व्हाई अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स. तो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए कंट्री. इसलिए हर एक देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स. इसलिए पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, इसलिए ज़रूरी है. तो अलग अलग मेरिडियन पर टाइम डिफरेंट होता है. सो मेरिडियंस क्या है? मेरिडियंस आर द लाइन्स विच आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अगेन एक्सप्लेन वाई द टाइम जोन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड. लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर. द टाइम डिफरेंस विद इन द कंट्री मे बी मोर देन 2 आवर्स. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए कंट्री. दैट इज़ वाई अर्थ इज डिवाइडेड इन टू 24 हीट जोन्स, टाइम जोन्स, 24 टाइम जोन्स. वाट आर हीट जोन्स? Heat zones are the various zones on the earth where sun rays falls differently on them. Heat zones are the various zones on the earth where sun rays fall differently on them. तो various zone हैं पृथ्वी के जहाँ sun rays directly उन पर गिरती हैं. तो the direct sun rays reach on the area of the torrid zone while temperate and frigid zone receive the slanting rays from the sun. तो डायरेक्ट जो सन रेज हैं वो रीच करती हैं टॉरिड जोन में, एक्वेटर के नियर बाई एरिया. वाहिल टेम्परेट जोन सन रेज आर स्लेंटिंग इन कंपैरिजन टू टॉरिड जोन. एंड इन फ्रिजिड जोन बिलो 66.5 degrees टू 90 degrees नॉर्थ एंड 66.5 degrees साउथ टू 90 degrees साउथ. दैट इज द फ्रिजिड जोन. So receive the slanting sun rays from the sun. These causes different temperature among different zones. यही कारण है कि अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर होता है. सन रेज स्लेंटिंग होने के कारण डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरेंट जोन्स में पाए जाते हैं. पर एक्वेटर के पास ज़्यादा गर्मी होती है. जैसे जैसे हम एक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ मूव करते जाते हैं तो वहाँ पर हीट कम होती जाती है. तो पृथ्वी को 3 हीट जोन बांटा है. फर्स्ट है टॉरिड जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन और थर्ड है फ्रिजिड जोन. तो ये 66.5 degrees से 90 degrees नॉर्थ एंड 90
66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ, दोनों पोल में ही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, दोनों हेमिस्फेयर में ही पोल्स की तरफ यदि हम जाते हैं तो फ्रिजिड जोन है और 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ।